अलमाज हैदर साहब जी सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लाहौर से, इनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अलमाज साहब। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इन्फ्लेशन तो चलें एक अलहदा बात है, वो तो उस पर तो पूरा मैकेनिज़म, पूरी डिबेट और बहुत सारे शोज हो सकते हैं। डॉलर यकदम इतना ज़्यादा स्पीडी ऊपर गया है और ये पिछले एक दिन में दोबारा कीमतें बढ़ी और फिर 6 महीने में 36% तकरीबन हमारा रुपया जो है वो डी वैल्यू होना, किस नज़र से देखते हैं, क्या मुहरकात हैं, बेसिक वजूहत क्या हैं? पहली बात ये है कि जो अचानक डिवेल्युएशन हुई है ये हमारी सारी कम्युनिटी के लिए सरप्राइज़ है। नॉर्मली गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ डिस्कस करती है, बात करती है कि हम इसको इस वक्त ये प्रेशर हैं, ये इन्फ्लेशन है, ये हमारा करंट अकाउंट का डिफिसिट है और हमारा ख्याल है कि इसको इस तरह से हैंडल किया जाए। हमारे साथ इस किस्म का कोई मशवरा नहीं लिया गया और ये बड़ी गलत बात है। मतलब अगर हमें सबको पता हो कि ये मुल्क के मसाइल हैं और मुल्क के अंदर ये ज़रूरत है मुल्क की, तो हम भी साथ देते हैं और हम भी चाहते हैं कि इकॉनमी चलती रहे और कारोबार लोगों के चलते रहें। सो ये तो एक सरप्राइज़ दिया है हुकूमत ने हमें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पिछले 24 घंटों के अंदर हमारी मैक्रो इकॉनमी के अंदर वो कौन सा ऐसा मेजर चेंज आ गया जिसकी वजह से 124 रुपए से डॉलर जो है 137 रुपए पे चला गया। हुकूमत 2 महीने पहले IMF चले जाती तो ये हालात ना देखने पड़ते, या क्या ये गलत बहस है कि उनको कब जाना चाहिए था, अब जाना चाहिए? वैसे फर्क पड़ता है इससे भी, अगर 2-3 महीने पहले ये डिसीजन आते ही उनका ले लेते। कोई भी स्टेबलाइजेशन की जो एफर्ट है उससे वो बेहतर होती है। जब बिजनेसमैन अपनी प्लानिंग कर सके ना कि मैंने कितने का माल लेना है और कितने का बेचना है, वो उसके लिए बेहतर है। जब आपको अचानक इस तरह की चीज़ आती है, अब हुआ ये है कि हमारे जो एक्सपोर्टर भाई हैं उनको जब पता लगा कि 125 के बजाय 137 का हो गया तो वो तो बड़े खुश हैं, उनको तो बड़ा बेनिफिट हो गया। सो देर आर विनर्स एंड देर आर लूजर्स। उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि जी ये एकदम हमें विंडफॉल बेनिफिट तो हो गया, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही इसकी वजह से जो कॉस्ट पुश आएगा तो हमारी जो प्रॉफिट है फिर नॉर्मल लेवल पे चला जाएगा। तो ये कुछ दिनों का तो फायदा जरूर है, ये लगातार फायदा ये कुशन ऐसा नहीं है जो परमानेंट हो। इसी तरह से जो हमारे इम्पोर्टर भाई हैं, अब इम्पोर्टर भाइयों के लिए जिनकी कंसाइनमेंट पोर्ट पे पड़ी हुई थी, अचानक उनकी वो 10% महंगी होगी कंसाइनमेंट, 11% महंगी होगी कंसाइनमेंट उनकी। अब ये जो अचानक है ना, उसकी वजह से अब मार्केट में तो माल पिछली कीमत पे भी पड़े हुए हैं, अब उसका एक नई कीमत पे माल आ गया, वो कैसे बेचेगा उसको? तो गवर्नमेंट से हमारी ये सदा होगी कि एक तो स्टेट बैंक को चाहिए कि वो इंटरवीन करे मार्केट के अंदर। मार्केट को अगर डिवेल्यूएशन हमारे लिए ज़रूरी है तो स्लोली डिवेल्यू करें, जिस तरह इंडिया ने किया है। इंडिया ने ओवर 6 मंथ्स डिवेल्यू किया, उन्होंने भी 11%। स्टेट बैंक क्या कर सकता है इसमें, क्या ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक के पास? मुझे नहीं पता कि स्टेट बैंक के, चूंकि मैं स्टेट बैंक के बोर्ड पे नहीं हूँ और स्टेट बैंक के मैकेनिज्म को मैं उस तरह से उनको एडवाइज नहीं कर सकता, लेकिन स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जब इंटरवेंशन करती है उससे कोई ना कोई बेहतरी आ जाती है। इन्होंने इंटरवेंशन नहीं की तो ये बिल्कुल ही हाथ से निकल गया। मतलब आप देखें ना, ये तकरीबन 13 रुपये एक दिन में चेंज आया, 13 रुपये इज अ फिनोमिनल चेंज, ऐसा तो नहीं होता। और कोई ऐसी माइक्रो इकोनॉमिक चेंज नहीं है, ये माइक्रो इकोनॉमिक चेंज भी नहीं है, आपके लिए भी सरप्राइज है। हुकूमत की ये कोई गलत पॉलिसी है क्या? फौरी तौर पर हुकूमत क्या कर सकती है, क्या सदबाब किया जा सकता है फौरी तौर पर कि डॉलर स्टेबल कम से कम किया जा सके? ये तो जिस दिन हुकूमत एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 150 क्रॉस कर जाएगा इसी सूरत हाल को अगर देखा जाए तो। किस एक्सपर्ट की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि किसी एक्सपर्ट को नहीं पता कि डॉलर कहाँ जाएगा और रुपया कहाँ जाएगा। अगर कोई ये बता सकता है ना, मतलब आप देखें तो हमारा 4 रुपए का डॉलर होता था यार, 4 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 20 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ, 108 हो गया, 124 आ गया, 137 चला गया। तो ये तो एक नॉर्मल जो दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन है उसकी वजह से करेंसीज की वैल्यूज चेंज होती हैं। हाँ ये तो ठीक बात है, ठीक है ना। सो लेकिन एक्सपर्ट कोई नहीं है इस बात का, कैंगरू जंप्स नहीं है। हाँ, ये एक्सपर्ट कोई नहीं। और इसको जिस तरह से मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रही है और कंपैरेटिव इन्फ्लेशन का इशू है और हमारे साथ वाले मुल्कों का इशू है कि जिस तरह से उनकी करेंसी डिवेल्यू हो रही है, हम अपने एक्सपोर्टर को मार्केट से निकाल तो नहीं सकते अपनी करेंसी को स्ट्रांग करके। हमें उनके अपने इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, औरों के साथ भी तो कम्पीट करना है ना। तो ये होता तो है, ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म तो है और आज तक होता भी आया।
लेकिन इसको ज़रा विजडम के साथ, समझदारी के साथ, इसको प्रॉपर इंटरवेंशन के साथ इस ये होना चाहिए ताकि लोगों के ऊपर इस तरह से शॉक्स ना आए। आपकी बातें जो हैं वो अशराफिया तो सुन रही होगी, लेकिन वो जो पान लगाता है सारा दिन, कत्थे लगाता है और पत्ती के साथ खेलता है, और वो जो रेडी बान है जो आपकी गुफ्तगू इस वक्त सुन रहा है, मैं चाहूँगा कि उस लेवल पे जाके आप उन्हें कुछ समझा सकें कि ये किस तरीके से ये जो इन्फ्लेशन है इसका उन तक तो बहुत असर पड़ा है, और अल्टरनेट जो प्रॉब्लम है वो तो गरीबों तक गई है कि उनका चूल्हा जो है वो जलना और ज़्यादा उसकी प्रॉबिलिटी कम हो गई, जिनका बजट ही 6,000, 7,000 या 10,000 में गुजारा करते हैं उनका क्या हाल होगा। मैं चाहूँगा कि अगर आप उनसे बात कर रहे हो और उनसे मुखातिब हों तो किस तरह उन्हें समझाएंगे कि ये मसला क्या हुआ है और कैसे हल किया जा सकता है। मैं उनसे यही कहूँगा कि यार जिस तरह से आज तक थोड़ी थोड़ी करके महंगाई आती रही है, ये महंगाई ने आती रहना, आप अपनी आमदन बढ़ाएं, अपनी मेहनत बढ़ाएं, अपनी आमदन बढ़ाएं और अपने सारे ख़ानदान को काम पे लगाएं। ये जो है ना कि घर में एक आदमी काम करता है और चार बच्चे जो हैं वो भी आराम करते हैं कि ये पढ़ रहे हैं, और जो वालद बेगम साहब हैं वो भी घर में आराम करती हैं सारा दिन कि जी इनका तो घर का काम है। ये वक्त बदल रहे हैं, ये वक्त वो आ रहे हैं जैसे सारी दुनिया में सारा ख़ानदान काम करता है, पाकिस्तान में भी सारे ख़ानदान को काम करना पड़ेगा। हुकूमत क्या करे फिर इस फेज़ में? ये तो चले आपने उन मज़दूरों को बताया कि वो मेहनत और करें, हुकूमत क्या करे पड़ेगा? अब मैं कई मुल्कों के नाम ले सकता हूँ जहाँ पे कि बड़ी कंफर्टेबल ज़िंदगी हुआ करती थी, लेकिन जब इन्फ्लेशन आया तो फिर औरतें भी घर से निकली, उन्होंने भी जाके काम किए, बच्चे भी निकले उन्होंने भी काम किए, बड़ों ने भी किए, माँ बाप ने भी किए। माँ बाप आमतौर पे घरों को संभालते हैं, जैसे चाइना में है कि जो दादा दादी हैं या नाना नानी हैं वो बच्चों को संभालते हैं, और मियाँ बीवी जो है वो दोनों दुकान पे जाके बैठते हैं, और बीवी जो है वो अकाउंटेंट का काम करती है और खावन जो है वो सेल्समैन का काम करता है। तो ये वक्त आ रहा है कि वैसे ही हालात यहाँ पे भी आ रहे हैं जहाँ सबको काम करना। आप मईशत के बड़े बुनियादी असूलों को समझते हैं, बड़ा आपका वसी तजर्बा भी है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब हुकूमत इस एंड पे क्या कर सकती है, और इन्फ्लेशन क्या हमेशा पाकिस्तान में इसी तरह रहेगा और ये हमेशा ज़रा सरप्राइज मिलते रहेंगे, और इससे एट द एंड क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और गरीब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो खतरे गुरबत से नीचे हैं, तो वो सारे फिर क्या करेंगे एट द एंड? आपकी मेहनत वाली बात के अलावा क्या हुकूमत की तरफ से क्या फैसिलिटी पर दी जा सकती है अगर इन्फ्लेशन ही कंट्रोल नहीं होना? तो अगर तो आप हार्ड कोर इकोनॉमिक्स की बात करें ना मुझसे, तो जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती इम्पोर्ट से, उस वक्त तक जो आपने बात की वैसे ही होगा। दूसरा यह है कि मुल्क के हालात ऐसे जब तक ना हुए कि लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आए, देखिए हमारा 60 अरब डॉलर की इम्पोर्ट है और 23 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, 23 के अंदर कोई 19 अरब डॉलर जो है वो हमारे भाई बाहर से रिमिटेंस भेजते हैं, वो अगर मिला लें तो ये कोई 42 अरब रुपये बन गए। 42 अरब डॉलर जो हैं उनमें से मैं 60 को माइनस करूँ तो 18 का फ़र्क है। फिर इसके बाद कोई 5-6 अरब रुपये डॉलर और ऐसे हैं जो कि हमें PIA और टेलीकॉम इंडस्ट्री और बैंकिंग और उनके जो प्रॉफिट्स आते हैं बाहर से वो जब मिलाते हैं तो वो भी तकरीबन इतना बन जाता है, तो कोई 12 बिलियन डॉलर का हमारा डिफिसिट है। या तो हम 12 बिलियन डॉलर से अपनी इंपोर्ट को कम करें, या 12 मुल्क के हालात ऐसे करें कि 12 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जाए फौरी तौर पर पाकिस्तान में, क्योंकि डॉलर पाकिस्तान में नहीं छप सकता, डॉलर में हमें या तो बाहर से आएगा तो वही हम खर्च कर सकते हैं ना। तो ये अब हार्ड कोर इकोनॉमिक्स यही है कि हमें हालात ऐसे करने पड़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट हो यहाँ पे, और हालात ऐसे करने पड़ेंगे कि एक्सपोर्ट यहाँ से हर चीज़ हो। पाकिस्तान हलाल प्रोडक्ट्स का मंबा है, पाकिस्तान का मतलब हलाल है, यहाँ से आप फर्नीचर हलाल फर्नीचर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए जिसके अंदर जानवर वो है जो कि हलाल है तो उसका जो फर्नीचर बनेगा वो हलाल बनेगा ना, जिसमें अगर हराम का जानवर होगा तो हराम फर्नीचर होगा। जो दुनिया में मुसलमान हैं वो चाहते हैं उनको हलाल फर्नीचर मिले, उनको हलाल लिपस्टिक मिले, उनको हलाल दवाइयाँ मिले, उनको हलाल गोश्त मिले, उनको हलाल खाना मिले। तो पाकिस्तान एक ऐसा बड़ा ब्रांड नेम है हलाल का कि हम में से हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के जितने हमारे रिश्तेदार दोस्त बाहर वाकफ़ हैं उनसे बात करें कि यार मैं बताओ पाकिस्तान से क्या तुम्हें भेज सकता हूँ। जब हमारी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैलेंस हो जाएगी, ये वाली जो इन्फ्लेशन की कहानी है और जो डिवेल्युएशन की कहानी है और जो महंगाई की कहानी है, ये उस दिन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आपके कहने का मतलब एक और मुझे समझ आया कि पीएम हाउस की भैंसें महंगे दामों बेचनी चाहिए थी। खैर मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, ये तो आपने एक और बात कर ली। महंगी सस्ती की बात नहीं मैं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं
एक्सपोर्ट को बैलेंस करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन की कहानी का जो कुछ सदभाव हो सके। ऐसा लगता है आपको, आखिरी सवाल, ऐसा लगता है कि कभी भी वक्त आ जाएगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इक्वल हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी और ये डेफिसिट जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पैदा होता है ये खत्म हो जाएगा? ये हो सकता है, और इसके लिए हुकूमत ने सिर्फ हमारे रॉ मटेरियल सस्ते करने हैं, हमारी बिजली सस्ती करनी है, हमारी गैस सस्ती करनी है, बाकी हम पे छोड़ दें। जो बिजनेसमैन है इसका काम है एक्सपोर्ट करना, हुकूमत नहीं एक्सपोर्ट करती। सारे मामले में आपको ऑनबोर्ड क्यों नहीं लिया हुकूमत ने, सरप्राइज क्यों रहा? तो मैंने जैसे आपने स्टार्ट में कहा, इब्तदाई में आप फरमा रहे थे, ये तो सवाल मुझसे नहीं पूछने वाला, ये तो सवाल उनसे पूछने वाला है। अरमान हैदर साहब जी, बड़ी तफसील से उन्होंने बताया और आप हमारे साथ रहिए, मजीद बहुत सारी चीज़ें आपको आपसे शेयर करते हैं, लेकिन पक्की बात जो उन्होंने बताई बड़ी सादा सी, वो ये है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो ये डेफिसिट की कहानी का कुछ हल निकल आएगा और हालात जो है वो बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं। आप हमारे साथ रहिए है।